नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। यहाँ पे देख सकते हैं कि जेके मंग हौजल जी ने कमेंट किया है कि ब्रो प्लीज़ शो हाउ टू इंसर्ट कर्ली ब्रैकेट्स इन एडोबी पेज मेकर। तो सबसे पहले जेके जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। और आप जानना चाहते हैं जो कर्ली ब्रैकेट्स होता है, कर्ली ब्रेसेस होता है, वो हम लोग कैसे पेज मेकर में इंसर्ट करते हैं। तो देखिए, आप इंसर्ट के बिना ऑप्शन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल और इजी तरीका है, बहुत आसान है कर्ली ब्रैकेट्स लाना पेज मेकर में। यहाँ आप देखिए, एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है और यहाँ पे देखिए मैंने कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स आप जो बोलते हैं, कोई कोई इसे कर्ली ब्रैकेट्स बोलता है, कोई कोई इसे कर्ली ब्रेसेस भी बोलता है। तो ये बहुत ही ईजी वे में आप ला सकते हैं। देखिए, लाने के लिए आपको इंसर्ट ऑप्शन का भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपने कीबोर्ड पे अगर नज़र दौड़ाएंगे, देखिए यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप देखिएगा, तो यहाँ पे जो देखिए ये आपका कर्ली ब्रेसेस आप देख लिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्रैकेट्स के साथ। यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे पी वाला जो आपका लेटर है उसके ठीक बगल में कीबोर्ड में अगर नज़र दौड़ाइएगा तो यहाँ पर आपको ब्रेसेस मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसको टाइप कैसे करेंगे, तो शिफ्ट दबा के आप इसको नॉर्मली जैसे हम लोग टाइप करते हैं, जहाँ पे दो लेटर्स रहते हैं, सिर्फ दबाने से ऊपर वाला लेटर आता है, ये सभी को पता है। तो उसी तरह सिंपली आपको टाइप कर देना है। चलिए मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल पे मैं यहाँ पे आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे कर्सर मैंने कलर को रेड कर रखा है जिससे आप देख सकें। अब मैं कीबोर्ड को आप कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करता हूँ, नॉर्मली अगर ऐसे हम लोग प्रेस करते हैं तो ये वाला ब्रैकेट आता है, देखिए ये वाला। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रहा है, शिफ्ट दबाइएगा, यहाँ पे शिफ्ट मैंने प्रेस कर दिया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ये आ गया, देख सकते हैं इधर वाला। उसके बाद इसे क्लोज कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस या ब्रैकेट देना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आ गया, बहुत सिंपल है। फिर से देख लेते हैं, ये देखिए आपको कर्सर रखना है जहाँ पे भी चाहिए, शिफ्ट दबाइए, पहले शिफ्ट की दबा दिया मैंने, ये क्लिक किया, देखिए कर्ली ब्रेसेस आ गया, ये कर्ली ब्रेसेस आ गया। तो इस तरह बहुत इजी वे में आप कर्ली ब्रेसेस आप पेज मेकर में ला सकते हैं, आपको इंसर्ट करने का भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने कीबोर्ड से ही कर्ली ब्रेसेस आप ला सकते हैं पेज मेकर 7.0 के अंदर। तो आई होप जेके जी आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।